आज की क्लास में हम लोग लाइन के डबल इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन को देखेंगे। चलिए सपोज करते हैं कोई एक लाइन है जो एक्स एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट बना रही है, वाई एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट बना रही है। सपोज एक्स एक्सिस पर हमारा इंटरसेप्ट ए बन रहा होगा, ए यूनिट बन रहा होगा, एंड वाई एक्सिस पर हमारा इंटरसेप्ट बी यूनिट बन रहा होगा, बी यूनिट बन रहा होगा। तो x एक्सिस पर a यूनिट को कैसे लिखेंगे हम लोग, a कॉमा जीरो, और y एक्सिस पर यूनिट कैसे लिखेंगे, जीरो कॉमा b। तो इस इक्वेशन का लाइन क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू वन। बस इसी चीज को आज हम लोग को समझना है, इसी चीज पे हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। मतलब x के नीचे x वाले इंटरसेप्ट लिखने हैं, y के नीचे y वाले इंटरसेप्ट लिखने हैं, और फिर इधर वन कर देना है। इधर क्या कर देना है, वन कर देना। अब चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। चलो प्रूफ देखो, प्रूफ क्या है, आखिर ये इक्वेशन क्या हो रहा है, टू पॉइंट से पास कर रहे हैं, टू पॉइंट से पास कर रहे हैं। वो टू पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ए कॉमा जीरो है एंड जीरो कॉमा बी है। दो पॉइंट से पास करने पे एक लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होता था, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन into x minus x1। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं कि the equation of line passing through the two distinct point। तो चलिए हम लोग put करते हैं इसको, कुछ देर के लिए x1 मान लेते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानेंगे और इसको y2 मानेंगे। तो put करते हैं y minus y1, तो y minus y1 कितना है हमारा, जीरो है। y2 minus y1, तो it means b minus zero, it means b minus zero upon x2 minus x1, x2 is zero and x1 is a, तो ये कितना बन जाएगा, 0 minus a into x minus x1 into x minus x1, तो x minus x1, x1 कितना है हमारा a। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, y minus 0 कितने हो जाएंगे y, और ये कितना बन जाएगा b upon minus a, b upon कितने हो जाएंगे minus a, और this is x minus a, this is x minus a। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा minus of a y, और इस b को क्या कर देंगे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट बिकम्स bx माइनस ab, bx माइनस ab। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस माइनस ab को इधर ला देते हैं, इस माइनस ab को इधर ला देते हैं और इस माइनस ay को उधर कर देते हैं, तो ay प्लस bx। अब नाउ डिवाइड बाय ab, ab से हम लोग क्या करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 1, और ये कितना बन जाएगा y upon b, और ये कितना बन जाएगा x upon a। अब इसी को खूबसूरत ढंग से लिख देंगे तो क्या मिल जाएगा, x upon a plus y upon b is equal to 1, x upon, so this is the proof of the double intercept form of line। एक बार फिर लास्ट समझ लीजिए कि इस ऐसे इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, x के नीचे x का इंटरसेप्ट, y के नीचे y का इंटरसेप्ट, और इज इक्वल टू 1 से इक्वेट करते हैं। यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं कभी कभी, इज इक्वल टू जीरो कर देते, ऐसा नहीं करना, हमेशा इज इक्वल टू क्या करना है, वन करना है। अब चलिए इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line passing through 2, 3, passing through 2, 3 and y intercept is twice the x intercept। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन पे एकदम बेसिक क्वेश्चन है हमारे, ये क्वेश्चन को समझो। हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, किस पॉइंट से पास कर रहा है, 2, 3 पॉइंट से पास कर रहा है, और क्या बोल रहा है कि वाई इंटरसेप्ट, वाई जो इंटरसेप्ट है ये एक्स इंटरसेप्ट का क्या है, ट्वाइस, एक्स इंटरसेप्ट का क्या है, ट्वाइस है। तो पहले हम लोग सपोज करते हैं लेट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, अभी हम लोग पढ़े ना डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू क्या है 1।
According to question क्या बोल रहा है? Y intercept is twice the X intercept. It means B is equal to कितना है? 2A. B is equal to कितना है? 2A. It means X upon A plus B को मैं किससे replace कर दूँगा? 2A से replace कर दूँगा. तो Y upon 2A is equal to 1. यहाँ तक तो काफी आसानी से क्वेश्चन हो गया. इसके बाद क्या बोलता है कि ये जो लाइन है 2,3 से पास होता है और हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि कोई भी पॉइंट अगर किसी कर्व पर है तो उस कर्व इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. इट मींस 2,3 इस कर्व इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो चलो पुट कर देते हैं, एक्स और वाई को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग 2,3 से रिप्लेस करते हैं. तो चलिए 2,3 से रिप्लेस करेंगे तो एक्स इज रिप्लेस्ड बाई 2 और वाई इज रिप्लेस्ड बाई 3. 3/2a इज इक्वल टू 1. और फटाफट एलसीएम, तो ए और 2a का एलसीएम कितना होता है? 2a होता है. ए और 2a का एलसीएम 2a. तो a से 2a 2 टाइम्स, 2 2 जा कितने हो जाएंगे? 4. और 2a से 1 टाइम्स 1 into 3 इज इक्वल टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2a इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 7. तो a इज इक्वल टू कितने आ गए? 7/2. a इज इक्वल टू कितने आ गए? 7/2. और b इज इक्वल टू क्या है? b क्या है? y इंटरसेप्ट क्या है? ट्वाइस ऑफ ये ट्वाइस ऑफ x इंटरसेप्ट है, यानी 2 into 7/2 है. तो 2 2 कैंसिल, तो b का वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया. b का वैल्यू कितना आ गया? 7. अब चलो इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करते हैं. इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करते हैं. इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा क्या है? ये है. तो x upon a plus y upon b is equal to 1. तो x upon a, a का वैल्यू कितना है? 7/2 plus y upon b 7 is equal to 1. अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा. तो 2x plus y by 7 is equal to 1. तो 2x plus y is equal to 7. This is the equation of line. तो देखो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पे छोटा सा क्वेश्चन था जिसको हम लोग काफी आसानी से कर लिए. आज के क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.